मेरा क्लैट में AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक 501 था। मेरा रैंक और भी अच्छा हो सकता था अगर मैंने GK में जो मिस्टेक्स करी वो मैं नहीं करता तो। दिस इज वाई इस वीडियो में मैं अपने कई सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए GK में और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आप ये बुक यूज कर सकते हो। इसमें कई सारे चैप्टर्स है जैसे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एंड सो ऑन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टैटिक GK पढ़ने की जरूरत है भी हमें या फिर नहीं। यस डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली स्टैटिक GK के होते हैं क्लैट में। फॉर एग्जाम्पल क्लैट 2023 में ये डायरेक्टली पूछ लिया था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वीट रिवोल्यूशन। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो होते तो पास्ट के बट उनका लिंकेज करंट इवेंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फ्रॉड के ऊपर एक पैसेज आया था 2023 में। दिस इज बिकॉज पिछले साल कुछ कॉर्पोरेट फ्रॉड हुए थे पूरी दुनिया में, बट क्लैट में जो पिछले साल फ्रॉड हुए उसके ऊपर तो क्वेश्चन आया ही। साथ ही साथ 2009 में एक सत्यम कंप्यूटर रिलेटेड स्कैम हुआ था इंडिया में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स हु वॉज सेंटेंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैम। नाउ ये करंट इवेंट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इंस्टेड इट इज ए पास्ट इवेंट विच हैज लिंक्स विद करंट इवेंट। सो इसलिए आपको स्टैटिक GK का नॉलेज होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके स्टैटिक GK पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर एम्पायर का 5th रूलर कौन था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे, ये सब कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो जाते हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप आई वॉज क्लियर। अब हम बात करते हैं करंट GK की। सो मैंने ये कई बार कहा है कि GK के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आपको कुछ 5-6 GK रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3rd पेज में कुछ मिल जाएगा कि नासा ने कोई नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है। 7th पेज में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। बट ऐसे 5-6 फैक्ट्स ढूंढने के लिए पूरा न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। इसी जगह आपको कोई आके बोले कि ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के न्यूज़पेपर में आए थे और मैं आपको एक पेज में ये सब लिख के दे रहा हूँ, ये काम करता है विजन IAS। सो विजन IAS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IAS IPS मतलब UPSC की प्रिपरेशन कराता है, बट वो फ्री में 2 पेजेस हर रोज अपलोड करता है जिसमें वो द हिंदू PIB PRS और कई सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कॉलेक्ट करके उन 2 पेजेस में डालता है। सो करंट GK के लिए फर्स्ट सोर्स हो गया आपका विजन IAS। अब कुछ ही समय में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि हाउ टू मेक नोट्स यूजिंग विजन IAS, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन जनरल आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विजन IAS के अलावा अब आपको एक और सोर्स यूज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर पाओ, एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लैट पोस्ट बाई लीगल एज। ये एक मंथली मैगजीन है जो लीगल एज पब्लिश करता है। अगर आपको किसी फ्रेंड के यहाँ से या फिर किसी और सोर्स से ये मिल जाती है तो आप वहां से ले लो। अदरवाइज जब आप लीगल एज मॉक्स बाय करोगे तो आपको मॉक्स के साथ ये मैगजीन भी मिलती है एक ही बंडल में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बाय द वे फॉर दिस वीडियो आई हैव टाइड अप विद लीगल एज। पर्सनली जब मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं लीगल एज के बहुत सारे GK वाले टेस्ट सॉल्व करता था। दिस इज बिकॉज वो अपने मॉक सीरीज में फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में कई सारे सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं। फिर आजकल उसके साथ क्लैट पोस्ट मैगजीन ऑल इंडिया मॉक्स वगैरह भी देने लग गए। सो इफ यू यूज माई कोड Harshal15 यू विल गेट ए 15% डिस्काउंट। ये 15% डिस्काउंट केवल मॉक्स के लिए ही नहीं बल्कि आप कुछ भी बाय करोगे जैसे कोचिंग फ्रॉम लीगल एज तो उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आप अपने सारे ऑप्शंस ट्राई कीजिए, जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट सही लगता है यू कैन गो विद इट, बट पर्सनली आई सजेस्ट लीगल एज बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। नाउ बैक टू द वीडियो। तो स्टैटिक GK के बारे में बात हो गई, करंट GK के बारे में भी बात हो गई। नाउ लास्ट है रैंडम नोट मेकिंग। क्या होता है ये? सो लेट्स से कि आप World War II से रिलेटेड कोई YouTube वीडियो देख रहे हो यही टाइम पास के लिए, एंड उसमें ही बताते हैं कि US ने नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करा था उसका कोड नेम फैट मैन था। आप जैसे ही ये सुनते हो आप वीडियो को पॉज करते हो और जाके एक नोटबुक में ये फैक्ट लिख लेते हो, एंड दिस नोटबुक शुड बी कॉल्ड रैंडम GK नोटबुक। बिलीव मी आप अपने क्लैट प्रिपरेशन फेज में ऐसे कई सारे डिफरेंट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आओगे। कभी आप न्यूज़ देख रहे होगे TV पे, कभी कोई मूवी देख रहे होगे, कभी आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होगे, आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएगी, एंड उन चीज़ों के लिए भी एक सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए। मैंने पर्सनली एक नोटबुक बनाई थी और वो पूरी भर गई थी, एंड उसमें से 2-3 क्वेश्चंस असल में क्लैट में आए भी थे। सो द 3rd थिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटेड।
सो क्लैट जीके सेक्शन में ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं, बट अनलाइक इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर्स इन पैराग्राफ्स में होता है, जीके में यू वॉन्ट फाइंड द आंसर इन दैम। तो उन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वेर इज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स बेस्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, ऐसे में यू कैन आंसर डायरेक्टली विदाउट रीडिंग द पैसेज। बट कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रेफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस फीफा वाले पैराग्राफ में ये पूछा है कि वॉट इज द नेम ऑफ द आर्म बैंड विच हैज़ बिन रिप्लेस्ड विथ फर्स्ट ब्लैंक इन द पैसेज अबाव। तो इसमें बस आप ऊपर जाके देख लोगे कि फर्स्ट ब्लैंक कहाँ है, दैट वुड बी इनफ। पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं होगी। सो जस्ट बी स्मार्ट एंड रीड ओनली वेन इट्स रिक्वायर्ड। मेरी पर्सनली सबसे बड़ी गलती यही थी, मैं बस नई नई चीज़ें पढ़ता रहता था, नए नए सोर्सेस को ढूंढता रहता था, और मैंने जो भी नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के 8-9 महीने के, वो मैंने कभी भी रिवाइज नहीं करे थे। एग्जाम में ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर मेरे नोट्स में थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल बिकॉज ऑफ नो रिविजन। सो मेक इट अ रूल टू रिवाइज, फिर चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, लॉ हो, मैथ्स हो, और एनीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट जीके एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके फॉर क्लैट। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट मैंने अभी एक बुक लिखी है जो करंट लॉ स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो लॉ स्कूल में जाने वाला है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं अपनी दूसरी बुक भी अब लिखना चालू कर रहा हूँ जो मैं कई समय से लिखना चाहता था, विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। इस बुक में मैं आपको A to Z कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो पूरा बताऊँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये बुक भी डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram और Telegram, मेन प्लेटफॉर्म्स पे भी हूँ, एंड मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहाँ पे जब भी ये बुक्स पब्लिश होती है तब। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।